हमने अपनी ये पार्किंग जो है ना फिक्स कर दी है। इस टाइम हम लोग जब आए थे बरी पार्क तो मम्मा लोगों के साथ आए थे और अभी सामान लेने आए हैं बस। पहला स्टॉप है हमारा ये खान सुपर मार्केट। ये फिश की शॉप खुल गई है जहाँ पे फ्रेश फिश मिल रही है। हो गया सब सामान, समोसे लिए हैं दो और पेटिस एक और बाकी सब। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आज का दिन ना बहुत ज़्यादा लेज़ी है, संडे है, कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा है। आज ज़्यादातर काम जो है वो सामान नहीं किया है, सेटिंग वगैरह चेंज की है कमरे की और उसके अलावा लाउंज की सेटिंग चेंज की है, तो ये सब कुछ सामान नहीं किया है। आज वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था करने का, सच अ लेज़ी डे। गर्दन में भी मोच आई हुई है मेरे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऑफ हुआ हुआ है मामला। खैर हम लोग अभी जा रहे हैं बरी पार्क। वैसे हम लोग जो है चिकन वगैरह ले लेते हैं यहीं से ही एजरस से, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा कि यार बरी पार्क से जाके ले लेते हैं क्योंकि चीप भी पड़ती है और एक साथ मिल भी जाएगा गोश्त, क्योंकि वहाँ से जो है वो मोस्टली थाइज अवेलेबल होती हैं वहाँ पर। और एजरा पे जो है जब आप लेने जाते हैं तो चिकन थाइस कभी अवेलेबल होती हैं और कभी नहीं अवेलेबल होती हैं। तो बस पहले गाड़ी को कुछ खिलाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे कुछ खाने के लिए लेने और चिकन लेने और थोड़ा बहुत और सामान। तो हम डलवा रहे हैं पेट्रोल। यार मुझे बड़ी पसंद है पेट्रोल की खुशबू। आई डोंट नो आप लोगों में से किस किस को पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है। वियर्ड राइट दिस। आज काफ़ी अच्छा सनी वेदर है ना? वैसे ही रहेगा हाँ, होपफुली, वरना गर्मियों में बारिश ज्यादा होती है। आई थिंक सर्दी में ज्यादा होती है। अब तकरीबन 8:30 बजे तक सनलाइट रहेगी और तकरीबन 1 या 1.5 महीने बाद सनलाइट जो है आपकी 10 बजे तक रहेगी। कितना मजा आएगा उसमें, आपके पास बहुत टाइम होगा। फिर और एक और वक्त आएगा जब 11 और 11:30 बजे तक सनलाइट रहेगी, सनलाइट नहीं डे लाइट रहेगी। उल्टा बोल रहे थे आप। सनलाइट रहेगी 8:30 बजे तक और फिर 11:30 बजे तक डे लाइट रहेगी, सनसेट हो जाएगा, डे लाइट रहेगी। सही है। हमने अपनी ये पार्किंग जो है ना फिक्स कर दी है। जब भी बरी पार्क आते हैं एग्जैक्टली टाइम हम लोग जब आए थे बरी पार्क तो मम्मा लोगों के साथ आए थे और अभी सामान लेने आए हैं बस। शादी हो रही है किसी की। पंजाबी गाने चल रहे हैं फुल। हाँ सावन डांस करने का दिल चाह रहा है। खाने की खुशबू। हाँ देख वाला जैसे कोरमा और वो सब होता है वैसी खुशबू आ रही है। हाँ अरसा हो गया उसामा, हम किसी शादी में नहीं गए ना। क्योंकि सारे एक ही उम्र के हैं ना। तभी पहला स्टॉप है हमारा ये खान सुपर मार्केट। गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट लेना है हम लोगों को। शांता पाल चाय रखी हुई है जो कि मैंने सामा के लिए ले ली है। और ये हैं सारे जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पर। ये 2.99 का है, आई थिंक बड़ा ही ले लेती हूँ। ठीक है सामा ये ले, यहाँ से मत लो ये। नहीं मैं केक का देख रहा था। तो मिलेगा सब मिलेगा। अच्छा चलो तो नफीस से ये फ्रेश बिस्किट्स और वो सब ले लो। चलो ये फिश की शॉप खुल गई है जहाँ पे फ्रेश फिश मिल रही है फाइनली। लास्ट वीक हम यहाँ पे घूम रहे थे तो हाँ, ये बन रही थी। हाँ अब खुल गई है और प्राइसिंग भी सही है अभी तक तो। फ्रेश फिश है, हाँ फ्रोजन तो नहीं। और साफ भी करके दे रहे हैं प्रॉन्स ये लोग, लेकिन 2 पाउंड एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे लेकिन आपको साफ करके दे देंगे। उसामा के ऑफिस के लिए लड्डू तो हो गए भाई।
ईद है ना तो इसीलिए। समा और क्या लेना है आपने? यार मैं वो केक देख रहा, स्पंज केक देखना है ना आपको, वो वहाँ पे है उस तरफ ना, सब कुछ है। नहीं हो गया, सब सामान समोसे लिए हैं दो और पेटिस केक और बाकी सब दूसरा सामान। घर भी आ गए हैं हम लोग ऑलमोस्ट, और समोसे जो है वो फोड़ चुके हैं हम लोग गाड़ी में ही, इंतजार नहीं हुआ हमसे घर आने तक का। मुझे लग रहा है ये लोग ना बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, देखो लेफ्ट पे सामा यहाँ की बात कर रहे हैं, ये देखिए फूड ट्रक लग रहा है यहाँ पे, कोई लग नहीं रहा, आई थिंक ये लोग अभी सेटअप कर रहे हैं। हाँ लेकिन काफी दिनों से ऐसी फूड ट्रक खड़ा हुआ है यहाँ पर, लेकिन कुछ है नहीं उस पे ब्रांडिंग अभी, तो आई थिंक हाँ होने वाला है कुछ, विच इज गुड, अच्छी बात है। सिंधी स्टाइल फिश बनाई है मैंने बहुत अरसे बाद, सो आई एम गोना एंजॉय दिस। मेरी सुबह हो चुकी है, कल रात में हम लोग इतना थक गए थे कि बस हमने खाना खाया है एंड देन वी स्लेप्ट, क्योंकि मंडे से ऑब्वियसली ऑफिस होता है, शामों को तो जाना होता है, मुझे शुक्र है जाना नहीं होता, मुझे ट्यूसडे जाना होता है एवरी। तो खैर अभी मैं सुबह उठ गई थी, मैंने उसामा को बोला था, मैंने कहा यार तुम उठ जाओगे तो मुझे भी उठा देना, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट कर लूँगी, एटलीस्ट 8,000 से 10,000 स्टेप्स हो जाएं तो अमेजिंग हो जाएगा, बट मिनिमम 8,000 तो हो ही जाएं, सो दिस इज़ गुड। खैर मैंने अभी बाल बांधे हुए हैं अभी, सिल्क वाला जो बैंड होता है उसके अंदर, तो आई थिंक ये अच्छे कर्ल हो जाएंगे और हीटलेस कर्ल्स हो जाएंगे इसमें। आज से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, सो एवरी मंडे मेरी 2 घंटे की क्लासेस होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तूफान आया हुआ है, ऐसी बारिश बहुत कम होती है यूके में, बहुत कम। यहाँ पे मेरी पढ़ाई चल रही है और ऑफिस स्टार्ट हो चुका है, बाहर चल के देखते हैं क्या सीन है। ऐसा लग रहा है ओले बरस रहे हैं, लेकिन नहीं है ऐसा कुछ भी, पानी है सिर्फ। बहुत ही अच्छा हुआ कि मम्मा पापा लोग जा चुके हैं, वरना बेचारों के दिन खराब हो जाते बारिश में, क्या ही घूमता कोई, कोई भी नहीं घूम सकता है इस बारिश में। तो शुक्र है मुझे भी काम पे नहीं जाना है, और उसामा तो आराम से पहुंच भी गए हैं तो कोई मसला नहीं है। नाश्ता जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर दिन में ना भी खाना हो तो खैर हो गई। कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम हो रहा है, आई थिंक 6 है उसामा, राइट 6 या 7, और लेकिन विंडी नहीं है अभी तक, तो इट्स फाइन हाँ अभी तक, लेकिन कुछ पता नहीं होता। लेकिन मेरा ट्रैवल तो जो है वो ट्रेन एंड ट्यूब का ही है, तो इतना मसला नहीं है, मैं बाहर कहीं घूम ही नहीं रही हूँ, बट स्टिल मैं तैयार हूँ उसी हिसाब से, ताकि अगर मेरी सर्दी लगे तो एटलीस्ट मेरे पास ढंग के कपड़े हों जिसमें बचत हो जाए मेरी। तो आज उसामा मुझे छोड़ने जा रहे हैं। मैं EMR में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि EMR बहुत भरी हुई होती है, बैठने की जगह ही नहीं मिलती है, ट्यूब में जगह नहीं मिलती, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं नॉर्मल ट्रेन में जाऊँगी। एक में जो है 28 मिनट्स लेंगे, एक में 34, आई थिंक इतना मैटर नहीं करता फिर भी, सो या finally।
बहुत ही बिजी डे था। क्लाउड्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है मार्शमेलो है क्लाउड्स नाउ। एक जगह काले बादल छाए हुए हैं और एक जगह जो है बिल्कुल वाइट बादल है। अचानक से हमारा मूड बदल गया है, हम जा रहे हैं डस्टबिन डाउन। आई मीन तुम्हें बताया नहीं किसी ने, एक बजे तो लेने आ गए थे। तुम्हारे इतने सारे दोस्त थे, ये तो तुमने थोड़ी बेवकूफी की, तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। हम लोग डंस्टेबल डाउन जा रहे हैं तो भूख लग रही है, इसलिए फ्रूट्स वगैरह कुछ इस तरह की चीज ले रहे हैं जो खा सकें थोड़ी बहुत। हम लोग देखें कितने कोई अमेजिंग डे पे आए हैं, रेनबो जबरदस्त। खूबसूरत आज मैंने शीर खोरमा बनाया है ईद पे, क्योंकि बना नहीं था तो इसीलिए दूध वगैरह, जबकि मैं सब ले आई थी नट्स भी, लेकिन बन नहीं सका था तो अब बना दिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने जो है वो चाइनीज़ बनाया है, ये रहा, चिकन इज़ रेडी, राइस भी रेडी है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि वाइट राइस बना दूँ इसके साथ।